पार्लियामेंट पे लॉन्च नहीं हुआ, बट क्या फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई, उसकी वजह से माफी चाहते हैं हम लोग देर से आए। तो हम लोग ट्रेलर दिखाते हैं, उसके बाद सवाल जवाब जो होंगे। मैं बुलाना चाहूँगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर गुरदीप सिंह सबल साहब को, जो कि राज्यसभा टेलीविजन के सीईओ हैं, ही इज आल्सो द ओएसडी टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और मैं बुलाना चाहूँगा मोहित को, मोहित मारवा, उन्होंने प्रेम सहगल का किरदार निभाया। ये फिल्म जो आईएनए ट्रायल्स पे है, इसमें आज़ाद हिंद फौज के तीन अफसरों पे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल और शाहनवाज खान पे ये ट्रायल लगा था। तो हमारे दोनों जो बाकी कुणाल कपूर और अमित साध हैं, वो इस वक्त इंग्लैंड में हैं। आज हमारे जो ट्रेलर लॉन्च था, तो हमारे उनके साथ एक डायरेक्ट लंदन से लिंक करके हमने वो इंटरव्यू किया दिल्ली में। और मोहित जो है प्रेम सहगल का किरदार निभा रहे हैं। केनी को मैं बुलाना चाहूँगा, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी किरदार निभाया है। और बाकी तो लोग हैं, तो हम ही लोग हैं, हम ही लोग से आप लोग जो भी सवाल करें। गुरदीप जी, पहले तो कांग्रेचुलेशन, अंतिम मांसु जी आपको भी कांग्रेचुलेशन। अच्छा सवाल है, क्या इस पिक्चर में रिसर्च, सभी बोलते हैं हमने बहुत रिसर्च की, लेकिन हमने की तो क्या था कि एक तो रिसर्च मटेरियल बहुत अवेलेबल है, बहुत रीसेंट हिस्ट्री है। ये तो नहीं कि हम अकबर और उनके बारे में, बहुत ही रीसेंट है, 1942-45 वाला पीरियड है ये, तो बहुत कुछ अवेलेबल है नेट पे, बहुत सारी किताबें हैं। आईएनए के कई लोग जिंदा हैं, आपको पता हो शायद ना हो कि मतलब जो शाद अली हमारे डायरेक्टर हैं, तो दोस्त है मेरा प्रेम सहगल, उनके उसके नाना हैं शाद के, तो लक्ष्मी सहगल जो शाद की नानी है, प्रेम सहगल की वाइफ थी और वो भी आईएनए में शामिल थी, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनसे तो मैं खुद मिला हूँ 2-3 बार, अभी 3-4 साल पहले वो गुजर गई। तो आईएनए के बहुत सारे लोग जिंदा हैं, नेताजी के परिवार में कई लोग हैं। तो एक तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिसर्च मटेरियल अवेलेबल होता है रिसर्च करने, तो टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे पान सिंह तोमर मैंने की, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च मटेरियल था ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखा था उसमें, किताब में कुछ था नहीं, तो जल्दी भी हो गया, इसमें बहुत वक्त लगा। दूसरी बात यह है कि जब 42-45 के बीच में बोले कॉन्वर्सेशन बिटवीन नेताजी और सुभाष चंद्र बोस, वो था नहीं, क्योंकि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, जब यहाँ पे आज़ाद मैदान मुंबई से गांधी जी ने जब करो या मरो का नारा लगाया और क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, तो देश में सारे नेता, छोटे बड़े, मेरे दादाजी खुद, मेरा तो धुलिया उनका नाम है, उन सबको 6 साल का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट उनको दिया गया। तो बिटवीन 42-45 सारे नेता, मतलब गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना आजाद, आचार्य कृपलानी, सब जेल में थे और नेताजी हिंदुस्तान में थे नहीं उस वक्त, तो उन दोनों का कोई कॉन्वर्सेशन की पॉसिबिलिटी थी नहीं। और देश में सेंसरशिप लगाने की थी अंग्रेजों ने, अखबारों में कुछ छप ही नहीं रहा था, आजाद हिंद फौज क्या थी लोगों को कुछ पता ही नहीं था, लोग कहते थे अरे ये तो गद्दार है। हमने पिक्चर में, हमारी जो रीड है पिक्चर की, वो यही है कि क्या ये गद्दार थे कि ये हीरो थे, यही दिखाने की कोशिश। हिमांशु जी, आपने ये टाइटल क्यों रखा राग देश? बहुत सोचा मैंने कि इसका टाइटल क्या रखा जाए, और बहुत सारी हमारी फिल्में जो पहले वॉर के ऊपर फिल्में बनी है, ललकार, हकीकत, इस किस्म की फिल्में, तो अभी अगर आप खुद सोचेगा पिक्चर का ललकार होता, आपको लगता है कितना पुराना जैसा टाइटल रखता है। तो बहुत सोचा, बड़ी अपने मशक्कत की इसके ऊपर, फिर ये लगा कि मैंने कहा राग देश, एक तो जैसे राग होते हैं हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, भैरवी है, शिवरंजनी है, तमाम राग है, वैसे एक देश राग भी है, ठीक है। तो मुझको सडनली स्ट्राइक किया देश राग, तो मैंने कहा इसका नाम होना चाहिए राग देश, यानी द सॉन्ग ऑफ द नेशन। और इसमें एक गाना भी है ट्रेलर में नहीं, जो कि देश राग पर ही आधारित गाना है क्लासिकल। ओके, सो एज इट इज, मोहित आपसे जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा, और द मोमेंट यू केम टू नो यू विल बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दैट टू डायरेक्टेड बाय हिमांशु दलिया, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं बिस्तर से कूद गया जब मुझे पता चला कि मैं इस पिक्चर का पार्ट हूं। वेलकम एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? है ना, मेरे को भी पहली बार मैंने बड़ी स्क्रीन पे देखा है, तो सर एक हग हो जाए। मेरे लिए ये बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, और मैं ये भी किसी को बात पहले बता रहा था कि लर्निंग, यू नो, नॉट जस्ट लर्निंग द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, बट ऑल्सो लर्निंग अबाउट दिस एपिसोड, क्योंकि स्कूल में मुझे आईने के बारे में कुछ सिखाया नहीं गया, हिस्ट्री में हमें इस एपिसोड को कहीं पे मेंशन ही नहीं किया गया। सो व्हेन आई गॉट टू नो द स्क्रिप्ट, जब हमने
नरेशन सुनी तो यू नो द फर्स्ट फीलिंग वॉज के ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए. तो यू नो टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस के जिसमें आप यू नो लोगों को एजुकेट कर रहे हो और साथ में एंटरटेन भी कर रहे हो बिकॉज ये एंटरटेनिंग पिक्चर भी है अच्छे से जम के. सो इट वॉज अ बिग प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. मोहित, इज इट डिफिकल्ट टू डू दिस काइंड ऑफ मूवी फॉर यू? It was difficult, yes, because it's very away from how I am as a person. But it was very exciting, and I feel I became an actor to, you know, go out there and play parts which are unlike me. So very, very satisfying to be a part of this film, especially at this stage of my career. Okay. Himanshu ji, like ye true story pe based hai, to kitna difficult hota hai usko as it is in a movie portray karna? हाँ होता है, डिफिकल्ट होता है. अगर आपको ऑलरेडी ऐसी कहानी दी गई हो, कहानी आपको मिल जाए, हम कमरे में बंद करके अपनी कोई भी राइटर फिल्म लिख सकता है, उसके ड्रामेटिक पॉइंट, प्लॉट पॉइंट, इंटरवल पॉइंट क्या होगा सब सोच सकता है. पर अगर आपको ऑलरेडी कहानी दी गई हो इतिहास की, उसको आपको एक स्ट्रक्चर में, फिल्म के स्क्रिप्ट के स्ट्रक्चर में ढालना है, मुश्किल तो होता है. और तब और मुश्किल होता है जब आप उसके साथ छेड़छाड़ करने की आपको इजाजत ना हो और आप करना भी ना चाहें. और क्योंकि बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत रीसेंट हिस्ट्री है, इसके बारे में अगर मैंने जरा भी कुछ करूंगा तो एक तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, मैं हिस्ट्री से मेरे बहुत प्यार है. तो उस तरह की लिबर्टी मैंने जरा भी नहीं ली है. हर सीन फिल्म का कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में डॉक्यूमेंटेड, कोई उंगली नहीं उठा सकता. सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय किरदार है, भले ही छोटा सा इसमें किरदार है, तो उनको कैसे आपने चयन किया? आप ये चयन कैसे किया? उनका चयन ऐसे हुआ कि मैंने एक और फिल्म बनाई है, उसका नाम बुलेट राजा के बाद मैंने एक फिल्म बनाई है 11 जो भी रिलीज है, एंड ऑफ द ईयर रिलीज होगी. तो चार दोस्तों की कहानी है, उसमें से केनी जो है ये एक चार दोस्त है. तो फिल्म हो गई भी एक, हम लोग सुभाष चंद्र बोस किसको बनाए. ऑलरेडी श्याम बेनेगल साहब ने बना चुके थे सुभाष चंद्र बोस. तो और सडनली मुझे लगा कि घर में बैठा है. तो इसको मैंने बोला, इसने हाँ के बेचारे ने सारे बाल वाल भी कटवाए. ये तो केनी ही बता पाएगा आपको ज्यादा बेटर. एक्चुअली मैं घर पे बैठा था, एंड देन वीर जो असिस्टेंट है सर के, वीर ने कॉल किया, कहा कि सर मिलना चाहते हैं. ओके ठीक है, क्यों? कुछ बताया नहीं. अच्छा चलो मिल लेता हूँ. तो मैं आ गया सर से मिलने, एंड देन सर ने पूछा शेव करके क्यों नहीं आए. किसने कुछ बताया नहीं, शेव करके आ जाओ. तो मैं फुटपाथ पे गया, शेव करवा के आ गया, एंड देन सर ने बोला हाँ चश्मा ले आ. तो मैंने चश्मा पहना, फिर सर ने पूछा लग रहा है, पता है कौन सा रोल कर रहा है? बापू जी तो नहीं होंगे, नेताजी. इनपुट तो बहुत सारे थे सर के, बिकॉज मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ. आपके सवाल का जवाब, काफ़ी रिसर्च की मैंने, इन द सेंस तीन किताबें मेरे लिए सबसे बड़े सोर्सेज थे, हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट, ब्रदर्स अगेंस्ट द राज और द फॉरगॉटन आर्मी. तो इन तीन किताबों से मुझे पता चला अबाउट नेताजीज थॉट्स, अबाउट हिज लाइफ, हिज बायोग्राफी, एंड स्पेशली दी INA, इंडियन नेशनल आर्मी ने क्या किया, कैसे फॉर्म हुई, एंड उनका कितना बड़ा रोल था इन इंडियाज इंडिपेंडेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, नेताजी के काफ़ी स्पीचेस एंड वीडियोस मैंने देखे एंड सुने, ट्राई टू पिक अप हिज स्पीच पैटर्न्स ऑन ऐप. और हमने डिसाइड किया कि एक एक्सेप्टेबल लेवल के सिनेमैटिक भी हो, एंड एट द सेम टाइम ट्रू टू नेताजी एज पॉसिबल, एक हमने एक बैलेंस सॉर्ट ऑफ डिसाइड कर लिया. एंड दिशु सर खुद एक मास्टरफुल एक्टर हैं, तो एकदम छोटे छोटे इनपुट्स देते वो, विच वुड मेक द परफॉर्मेंस वेरी रियल, वेरी नेचुरल. ये तो डिटेल्स में मुझे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स याद हैं, बट सम अदर टाइम. आपके अंदर भी एक कलाकार है, तो आपने क्या इसमें कोई रोल प्ले किया? जी नहीं, जब तक सिनेमा बनता रहेगा. अच्छा मोहित जी, क्योंकि आपसे जानना चाहूंगा, अब आने वाले दिनों में लोग आपसे पूछेंगे कि सेम डेट पर दो भाइयों की फिल्म आ रही है, एक आपकी और अर्जुन की भी फिल्म आ रही है, तो आप मानते हैं या हम ऐसा माने कि इस डेट 28th ऑफ जुलाई को दो भाइयों का टफ कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा सिनेमा घरों में, बॉक्स ऑफिस पर? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि हम उस दिन बात कर रहे थे इसी बारे में, और अर्जुन ने मुझे ये बोला कि ये इट्स लाइक अ फैमिली वीक, कि आप अगर आप कॉमेडी देखना चाहते हैं वो भी मिलेगी, अगर आप दूसरे जॉनर की पिक्चर देखना चाहती हैं तो वो भी मिलेगी. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज, सो आई थिंक बोथ विल फाइंड द ऑडियंसेस एंड बोथ शुड फिल द थिएटर्स एंड डू रोरिंग बिजनेस. तिग्मांशु जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो हमारे गांधी जी की विचारधारा अहिंसा पे थी,
सुभाष चंद्र बोस जी की तुम मुझे खून दो आजादी दो, मैं आपको आजादी दूंगा। तो ये जो मतलब दो विचारधाराएं थी आपको, आपने जो रिसर्च करके फिल्म बनी तो उसके बारे में अगर आप। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या था कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा लिया यहाँ पे मुंबई में ही आजाद मैदान में, उस वक्त गांधी जी की फिलोसफी की आप देखिए, उन्होंने बोला था करो या मरो, यानी कि गांधी जी के अंदर भी उन्होंने लग गया था कि थोड़ा तो वायलेंट होना पड़ेगा। और फिर जो राइट्स हुए, जो तोड़ फोड़ बसे जलाएगी पूरे, इसीलिए तो सारे नेताओं को अंदर कर दिया, उस वक्त उनको लग गया था नेताजी और गांधी जी के डिफरेंस पहले से इसीलिए आ गए थे कि नेताजी ने कहा ओनली थ्रू वायलेंट आर्म्ड स्ट्रगल हम देश को आजाद करा सकते हैं, और गांधी जी ने कहा नहीं हमको नॉन वायलेंट करना पड़ेगा। लेकिन 42 वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस वक्त, दुनिया में क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रही थी। नेताजी कहते थे वर्ल्ड वॉर चल रही, अंग्रेज वर्ल्ड वॉर में जुटे हुए, इसी यही टाइम है लात मारो निकालो इनको। और पर गांधी जी को भी उस वक्त लग गया था कि शायद आए की वायलेंट वे इज राइट, तो नहीं तो करो या मरो जैसा नारा गांधी जी ने लगाया, तो शायद उस वक्त वो नेताजी एक पेज में थे, हालांकि नेताजी हिंदुस्तान में थे नहीं उस वक्त। मोहित, माय क्वेश्चन इज फॉर यू, यू सेड दिस रोल वाज अ वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर यू, सो इस रोल के लिए तो ना कोई बुक्स बनी है ना कुछ रिसर्च है, सो व्हाट स्ट्रगल डिड यू मेड, लाइक व्हाट एफर्ट्स डिड यू मेड टू यू नो लुक अलाइक दिस रोल? देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स, इन फैक्ट व्हेन आई साइन द फिल्म द फर्स्ट थिंग वाज दैट देयर वर टू थ्री बुक्स व्हिच आई हैंडेड ओवर टू मी। इफ यू गो ऑनलाइन एंड इफ यू लुक देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज आल्सो व्हिच हैव बीन मेड ऑन दिस सब्जेक्ट, and I think with the power of the internet there's a lot of information which has been coming out now in the last couple of years, before that there was nothing, but now I think there is access to a lot of information, so humne wo sari information padhi aur you know sir se yaad hai main sir se pehle din jaake pucha tha ke sir kya research karu main iske liye kya karu, to he told me a very nice thing, he said ke tum apne grandfather apne nana aur dada ki purani photos nikalo aur us time ko observe karo आप, उस क्योंकि उस जमाने के कह रहे हैं वो जो लोग होते थे जो 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 शराफत जैसे निखार जो नजर आती थी शक्ल पे, तो कह रहे हैं वो नजर आना चाहिए, जब स्क्रीन पे आपको लोग देखें तो बोलें कि हाय उस जमाने के क्या लोग थे, सो दैट इज व्हाट वी ट्राई टू अचीव। सी जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने नेताजी के बारे में तो अपने हिस्ट्री किताबों में पढ़ा था, लेकिन ये थोड़ा जो है ये जो हिस्ट्री है ये रिसर्च वाली हिस्ट्री है, जेएनयू के हिस्ट्री स्टूडेंट ने जरूर पढ़ा होगा, समझ रहे आप, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, ये 10th क्लास 11th क्लास हिस्ट्री में पढ़ा तो बच्चों को इतना पढ़ते वो भी नहीं पढ़ेगा, इसलिए ओमिटेड है। ये मनोज नीचे बैठ, मनोज नीचे बैठ, जमीन बैठेगा सब बैठेगा क्या, बैठो 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 नीचे बैठो। अरे बसा रहे तुम्हें खाली, खड़े हो गया अजीत आप लोगों को मैं बताना भूल गया, कल को भी आने में थोड़ी देर, राजेश मिश्रा साहब है। अरे बैठ जाओ, फोटो फोटो बैठ जाओ, यूएफओ जो पिक्चर है मैंने दे रखा है तेरे को, यूएफओ को रिप्रेजेंट करना है, ये भी पहली बार हो रहा है कि एक फिल्म जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर बना रहा है कमर्शियली नहीं अच्छा से हो रही है, चलो सब लोग साथ में चले। भाई मारेगा मार के मतलब नहीं ना भाई।